देखिए फैक्ट्री में अमूल दूध कैसे बनता है। दोस्तों वैसे तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक से बढ़कर एक कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन आज तक अमूल को कोई भी कंपनी टक्कर नहीं दे पाई है। इस कंपनी के प्रोडक्ट को सबसे टॉप लेवल का माना जाता है, क्योंकि ये कंपनी अपनी क्वालिटी में कोई भी समझौता नहीं करती। और अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूध के लिए आप घर में गाय भैंसों को तो पालते नहीं होंगे, आपके घर में भी अमूल कंपनी का पैकेट वाला दूध आता होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि पूरे भारत में भेजा जाने वाला यह अमूल दूध आखिर किस तरह बनकर तैयार होता है, और ये कैसे इतने दिनों तक पैकेट में बंद होने के बावजूद खराब नहीं होता? क्या इसके अंदर कोई हानिकारक केमिकल होता है जो इसे इतने दिनों तक ताजा बनाए रखता है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। बस इस वीडियो में इसी तरह बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन के फील्ड में अमूल कंपनी टॉप रैंक करती है, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमूल के मार्केट वैल्यू 52,000 करोड़ रुपए है, और सिर्फ साल 2020 में ही अमूल ने 39,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। पर हम शर्त लगा सकते हैं कि अमूल की दूध की थैली, उसका मक्खन और उसका दही वगैरह आपके घर में भी हर रोज आता होगा, और अगर आप अमूल के अलावा किसी और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे ये पैकेट बंद दूध कई किसानों के घरों से होकर अमूल मिल्क प्लांट और फिर से वहाँ से आपके घर तक पहुँचने का सफर तय करता है। असल में दोस्तों जहाँ जैसे ही सुबह होती है ना, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्कर्स अपनी गाय भैंसों का दूध निकालते हैं और बिल्कुल समय पर उसे कंटेनर में भर के अमूल के कलेक्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और लाइन में बारी बारी अपना इंतजार करते हैं। यहीं से शुरू होता है मिल्क प्रोसेसिंग का पहला चरण, जिसमें मिल्क कलेक्टिंग का काम किया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश में दूध की डिमांड है उसे पूरा करने के लिए किसी एक बड़ी सी फैक्ट्री में गाय भैंसों को पालकर लोगों की जरूरत पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए अलग अलग गाँव में बड़ी संख्या में जो लोग गायों को पालते हैं उन्हीं से कंपनी वाले संपर्क करते हैं ताकि वो हर रोज अमूल कंपनी तक दूध पहुंचा सकें। हालांकि जब लोग अपना कंटेनर लेकर जाते हैं तो अमूल कोऑपरेटिव स्टाफ हर कंटेनर के दूध को इस मिल्क टेस्टर में डालकर उसकी जांच करते हैं। एक बेहतर दूध की जांच के लिए दूध को कई सारे अलग अलग पैरामीटर पर खरा उतरना पड़ता है, क्योंकि अगर सारे अलग अलग पैरामीटर पर खरा उतरना पड़ेगा क्योंकि अगर ये जाँच भी नहीं होगी तो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर देंगे, जो कि सही नहीं है। और इन्ही सारी चीजों को देखने के लिए जाँच होती है। जब दूध पूरी तरह से सही निकलता है तभी उस कंटेनर को कंपनी के वर्कर्स द्वारा लिया जाता है, और अगर हल्की सी भी गड़बड़ी निकल जाती है तो लोगों को उनके कंटेनर के साथ ही वापस भेज दिया जाता है। और ये काम हर रोज 365 दिन इसी तरह चलता रहता है, और तभी हमें और आपको भी हर रोज दूध मिल पाता है, वरना तो देश के आधे से ज्यादा घरों को बिना चाय के ही अपना दिन गुजारना पड़े। इसलिए दोस्तों पूरा काम नियमित समय पर होता है, और जो किसान अपनी गाय भैंसों का दूध निकालते हैं वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अच्छी क्वालिटी का दूध पाने के लिए किसान अपनी गायों को अच्छी क्वालिटी का खाना भी देते हैं, और ये सारी फैसिलिटीज खुद अमूल किसानों को देता है। यहाँ तक कि गायों की स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए लगातार डॉक्टर लगे रहते हैं और उनके हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। इसी वजह से किसान मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो दूध जांच करने के बाद किसानों द्वारा दिया जाता है उसे बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर करके ठंडा कर लेते हैं, और इसे ट्रांसपोर्ट टैंकर्स में भर दिया जाता है जो इस दूध को लेकर अमूल के प्लांट पर पहुंच जाती है। और यहां पहुंचते ही इन टैंकर्स में से दूध के सैंपल को इकट्ठा कर लिया जाता है, और जो सैंपल होते हैं उसे लैब में ले जाकर अच्छी तरह से दोबारा जाँच होती है उसकी, ताकि दूध की शुद्धता और पौष्टिकता जाँची जा सके। और दोस्तों जब दूध की जाँच पूरी हो जाती है तो उसे अलग अलग टैंक में स्टोर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये तय किया जाता है कि कौन से टैंक का दूध किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग फैक्ट्रीज में बनकर तैयार होते हैं, चाहे वो बटर हो, चीज हो या फिर आइसक्रीम हो, हर फैक्ट्री में जांच होने के बाद ही यहीं से दूध भेजा जाता है। और जब बात दूध तैयार करने की होती है तो ये जो कच्चा दूध होता है ना, इसे टैंक से निकाल कर इसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि दूध में मौजूद जितने भी खतरनाक बैक्टीरिया वगैरह है वो सब फिल्टर हो जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी ये दूध पैकेट में भरने के लिए तैयार नहीं हुआ होता। अभी तो इस दूध को पीने लायक बनाने के लिए इसे पैस्टराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह का प्रोसेस है और दूध को इससे क्यों गुजारा जाता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूध के टेम्परेचर में अचानक से ही बदलाव लाकर उसमें मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को मारने को ही पैस्टराइजेशन कहा जाता है। जब आप दूध के पैकेट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पैस्टराइज मिल्क लिखा होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है और किस तरह पैस्टराइजेशन से खतरनाक बैक्टीरिया मर जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो दूध को एक ऐसी पाइप
पाइपलाइन से गुजारा जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड में बदलता रहता है, यानी कि 15 सेकंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और फिर आगे इसी टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में टेम्परेचर का कितना बड़ा उतार चढ़ाव होता है, जहां बिल्कुल गर्म टेम्परेचर से बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पर दूध आ जाता है। और जब यही प्रक्रिया लगातार घंटों तक चलती रहती है तो इसकी वजह से दूध में मौजूद जितने भी खतरनाक बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इस तरह से टेम्परेचर में उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता नहीं होती और वो मर जाते हैं। और दोस्तों, जो आप सोचते हैं कि आखिर पैकेट वाला दूध 2 दिनों तक कैसे चल जाता है, उसके पीछे का कारण यही है, जो हमारे नॉर्मल गाय वगैरह की दूध होती है ना, उन्हें इस प्रोसेस से गुजारा नहीं जाता है, उनके अंदर खतरनाक बैक्टीरियाज होते हैं। हालांकि दूध को उबाल कर रख दिया जाए तो थोड़ी देर तक दूध चल जाता है, लेकिन फिर भी उसके कुछ समय बाद दूध खराब होने लगता है। पर जब फैक्ट्रीज में दूध के सभी बैक्टीरियाज मर जाते हैं तो दूध के खराब होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूध ज्यादा समय तक चल पाता है। और जब हम उसे उबाल देते हैं तो दूध पूरी तरह से स्वस्थ और बढ़िया हो जाता है। वैसे फैक्ट्रीज में काम यहीं पर खत्म नहीं होता, जो कि पास्टराइज मिल्क है ना, उसे अगले प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जिसे होमोजेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर जो दूध होता है ना, उसे होमोजेनाइज मशीन के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर होता यह है कि जो दूध होता है उसमें जितने भी फैट के बड़े बड़े कण होते हैं उसे मल्टीपल प्रेशर पिस्टन के जरिए दूध में सारे फैट मॉलिक्यूल को बराबर से फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से सभी पैकेट में भरा जाने वाला दूध का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। अब दोस्तों, ये सभी प्रोसेस होने के बाद दूध को फूड ग्रेड्स पॉली बैग्स में पैक करने के लिए भेज देते हैं, जिसमें पैकिंग मशीन होती है जो दूध को पैकेट के अंदर कुछ इस तरह से भर कर बंद कर देती है और ये पूरा काम ऑटोमेटिकली चलता है, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। जैसे ही दूध पैकेट में पैक होकर आता है तो वर्कर्स द्वारा उसे बड़े बड़े कैरेट में पैक करके बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके पूरे देश में भेजने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि ये दूध आपके आसपास की दुकानों में बिकने के लिए उपलब्ध हो सके। अब दोस्तों, ये तो आप जान गए कि किस तरह अमूल की फैक्ट्री से आपके घरों तक दूध पहुंचाया जाता है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी जान लीजिए कि आखिर दूध का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बचपन से ही हमें दूध के फायदे समझाए जाते हैं। सबसे पहली चीज, दूध के अंदर विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, उसके अलावा निकोटिन एसिड के साथ कई सारे मिनरल्स जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इससे हमें ताकत भी प्राप्त होती है। हालांकि दूध पीने का सही समय क्या है, इसे लेकर लोगों के मन में कई सारी कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोगों का कहना है इसे नाश्ते के साथ पीना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि इसे रात में पीना चाहिए। तो पहली बात तो दोस्तों, अगर दूध का सेवन दिन में किया जाए तो ये हमें दिन भर एनर्जेटिक रखता है। अगर रात में सोने से 1 घंटा पहले दूध पी लिया तो ये हमारे दिमाग को शांत रखकर अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है, और आयुर्वेद भी रात के समय दूध पीना सही मानता है। असल में दोस्तों, दूध एनर्जी तो देता है, लेकिन ये एक संपूर्ण आहार है जिसे पचने में समय लगता है, इसी वजह से इसे सुबह पीने के लिए मना किया जाता है। हालांकि दोपहर के वक्त दूध पीना बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे ताकत मिलती है, और अगर आप रात के वक्त सोने से पहले दूध पिए तो ये नींद और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि अगर कम शब्दों में कहा जाए तो दूध अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, जिसे आप किसी भी वक्त पी सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि आप इसे एक सीमित मात्रा में लें, जिससे आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहे और सारे काम बढ़िया से चलते रहे। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपका इसके बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।